हाँ जी देख सकते हैं सेंटिनेंट की हमारी न्यू जनरेशन भी देख सकते हैं और सनसेट का सीन आप देख सकते हैं, बड़ा ही प्यारा लग रहा है सनसेट। तो भाई कह रहे थे कि कब सेल करोगे आप, तो सारे एक साथ हो गए हैं जी और अभी लड़ भी रहे थे कौन कौन। ये देखो जी इनके लिए तो फेवरेट जगह ये, बस इधर से इधर जंपे मार रहे हैं दोनों। हेलो हेलो देव, क्या हाल चाल है? तो देव कह रहा था कि मैं ब्लॉग करता हूँ शूट क्योंकि आप अकेले ही करते रहते हो, तो मैं ना जरूर। तो आज देव आया है हमारे पास और देव का भी चैनल भी है ना, क्या नाम है चैनल का? तो सारे एक साथ हो गए हैं जी और अभी लड़ भी रहे थे कौन कौन। ये देखो जी इनके लिए तो फेवरेट जगह ये, बस इधर से इधर जंपे मार रहे हैं दोनों। हाँ जी फ्रेंड्स, स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में जी, और परमेश्वर का धन्यवाद आज का सुंदर दिन जो है व्यतीत हुआ और आप लोगों के लिए भी आज का दिन ब्लेसिंग भरा हो। बाकी देख सकते हैं जी सारी मुर्गियां सारे कबूतर आज जो है जी इकट्ठे छोड़ दिए हैं। तो हाँ जी कैसे हैं दोस्तों, तो जो है आज मैंने जैसे ही अभी कबूतरों का मैंने बस इसका केज खोला था, सेंटिनेंट वाले जो हमारे कबूतर हैं, अचानक से बाहर आ गया, मेल दरवाजा खुल गया, फीमेल भी सारे बाहर आ गए। और हमारा बोना आपको पता ही है जी, इसकी फेवरेट जगह है जहाँ पे ये बैठे हैं, यहाँ पे चढ़ता है और इसके बाद कुकड़ू कू करता है, भांग देता है जी। तो आज सारे इकट्ठे छुट गए थे, मैंने चलो आप लोगों को शाम के वक्त व्लॉग के माध्यम से जी सारे बर्ड्स को दिखाया जाए। और लो जी हमारे फैंसी मुर्गियाँ सारी वहाँ बैठी हुई हैं देख सकते हैं जी। तो बच्चे भी अपना आराम से मिट्टी में खेलने का आनंद ले रहे हैं जी, हमारे बैंटम चिक्स जो हैं वो देखो जी। तो फिलहाल दोस्तों सारे के सारे बर्ड्स हमारे वैक्सीनेट हो चुके हैं जी, लासोटा वैक्सीन कर दिया आप लोगों को जैसा लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था। तो आज जो है अपना पड़ोस से लड़का भी आया हुआ है, हमारा नेबर है, तो देव है जी यहाँ पे। हेलो हेलो देव, क्या हाल चाल है? तो देव कह रहा था कि मैं व्लॉग करता हूँ शूट क्योंकि आप अकेले ही करते रहते हो, तो मैं ना ज़रूर। तो आज देव आया है हमारे पास और देव का भी चैनल भी है ना, क्या नाम है चैनल का? टाइगर गेमिंग 386। हाँ प्रॉपर क्या नाम? टाइगर गेमिंग 386 @TigerGaming386। तो दोस्तों गेमिंग वगैरह का शौक रखते हैं तो प्यारा बच्चा है जी, अपना मेहनत कर रहा है, तो विजिट करें चैनल को, जरूर विजिट करना जी, देखना पक्का आप लोग जो जो गेमिंग के शौकीन है और वहाँ पे लाइव वगैरह है ना, लाइव गेमिंग वगैरह भी होती है, तो आप लोग जरूर चैनल को विजिट करना जी, स्पेशली देव मेरे पास आया है। बाकी देख सकते हैं जी हमारे सारे बर्ड्स सारे खोल रखे थे मैंने, अभी आज छुट्टी का दिन है अपना, शाम के वक्त बढ़िया अपना घूम फिर रहे हैं। तो फिलहाल मैंने अभी चेक नहीं किया था अंडे दिए कि नहीं हमारी छोटी सना ने, आज सुबह एक अंडा मिला था जी हमारे को और वहाँ ओ देख सकते हैं जी एक अंडा फिलहाल अभी और यहाँ पे ये रहा जी। तो देव तो वेजिटेरियन है ना, देव अंडे वगैरह प्योर वेजिटेरियन है, तो ये अंडा एक मिला जी हमारे को, इसको मैं इसमें रख देता हूँ जी। बाकी असील का जोड़ा जी अभी छोड़ रखा था, मोरनी और मुर्गे को भी दिखाता हूँ आपको मैं, बच्चे सारे इकट्ठे हो गए एक ही कोने में, तो अभी अच्छे खासे खेल रहे थे, जो हमारी असील बच्चा है जो वो सामने है आपने देखा वो वाला जो बच्चा है असील का, तो वो जो है इनके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, बल्कि कबूतरों को भी मार रहा है बच्चा जो है। तो मैंने सोचा था इसको बंद कर दूं पहले, पर चलो ये देखो जी अभी दोबारा से ये जो है मुर्गी ये बच्चों के पीछे भागने लग जाएगा, ये बच्चा जो है। तो खाने के टाइम पे जी इनको जब खाना देता हूँ तो इनको मैं बंद ही करना प्रेफर करता हूँ उस बच्चे को, पर आज जो है जी टोटली सारे के सारे ही खुले रह गए। मैंने चलो मैं व्लॉग भी कर रहा था, मैंने चलो साथ साथ आप लोगों को भी बता देता हूँ, वो चूजे तो अपने चले गए जी दोनों के दोनों अंदर। तो बाकी हमारे बैंटम चिक्स देख सकते हैं जी, ये करीब करीब हो चुके हैं जी एक महीने से ज्यादा के, डेढ़ महीने के लगभग के चूजे हो चुके हैं जी ये देख सकते हैं। तो एक भाई का कमेंट आया था दोस्तों, कुछ दो तीन भाई अपने कमेंट कर रहे थे और मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का मैं शुक्रिया करता हूँ जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो भाई कह रहे थे कि कब सेल करोगे आप चूजे वगैरह या कुछ, तो दोस्तों अभी तो फिलहाल मैं खुद इनको बड़ी दूर से लेके आया हूं तो, और इनकी ब्रीड ले रहा हूं, इन फ्यूचर अगर कोई प्लान होगा सेल वगैरह का तो आप लोगों से जरूर मैं बताऊंगा जी, और आप लोगों को उसके लिए स्पेशल एक व्लॉग बना के डालूंगा। बट अभी तो दोस्तों अपना शौक पूरा कर रहे हैं जी, इनकी ब्रीड ले रहा हूँ और कुछ सीख रहे हैं आप लोगों से और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपने पेट्स पे जी। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया करता हूँ जी, धन्यवाद करता हूँ। बाकी बाहर भी चलते हैं देखते हैं, लो जी मोरनी भी देख सकते हैं जी, ये रही जी हमारी मोरनी। हाँ मोरनी नहीं अंदर नहीं जाना बच्चे आ जा, ये देखो जी। तो मोरनी फिलहाल जो है जी खाना वगैरह खिला दिया था इसको, पानी पी चुकी है, और कुड़ू कह जी अभी भी सोच रहा हूँ, अंडे तो अभी तक किसी तरह से अभी मुझे कहीं से मिले नहीं, कोई अच्छी ब्रीड की अगर किसी के पास अंडे हों तो आप मुझे ज़रूर बताना, शायद एक भाई के पास मेरा जाना होगा जी एक दो दिन में, तो वहाँ जाके देखेंगे अगर कुछ अंडे हमारे को मिल जाते हैं तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा, और अपनी असील मुर्गी को कुड़ूक बिठाएंगे जी,
और अच्छा रिजल्ट देती है मुर्गी, जो है बड़ी भी है। और बाकी देखते हैं, तो मौसम कुछ इस तरह का बना हुआ है जी, आप देख सकते हैं जी। और कुछ देर पहले मुझे जो है कुछ कबूतर उड़ते हुए दिखाई दिए थे आसमान में उस तरफ, और सनसेट का सीन आप देख सकते हैं, बड़ा ही प्यारा लग रहा है सनसेट। क्यों देव है ना, और देव का घर कहाँ है? देव का घर वो सामने है जी, ये सामने देख रहे हैं आप जो, तो ये है जी देव का घर। बाकी कबूतर बहुत ज़्यादा है जी इधर उधर जो है सराउंडिंग में, हमारे नियर बाय काफ़ी कबूतर पाल रखे हैं भाइयों ने। तो आप लोगों को क्या क्या शौक़ है जी, आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना दोस्तों। बाकी जी पर लेंटर पे ट्राई कर दी थी, अब जो शटरिंग कुछ टाइम बाद खुल जाएगी, तो फिलहाल जो है रोज़ाना पानी दे रहे हैं ताकि मजबूती इसमें आ सके और लेंटर अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। चलो मोरनी, तो अब इसको कुछ देर में अंदर कर दूंगा जी, क्योंकि ये बाहर ही नहीं आती आजकल जो है, ये फटाफट से अंदर चली जाती है। है देव के हाथ में, बोलता कि मैं शूट करता हूँ और आप आगे जाओ, तो यहाँ दिखाओ देव इनको, देखते देव की शूट कैसे करता है देव, पास से दिखाना जरा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी बोने के भी नए नए पर आ रहे हैं हमारे, और सर के पीछे से अब तो लगभग निकल चुके हैं जी, पहले तो बिल्कुल गंजा सा दिखाई दे रहा था, अब छोटे छोटे पर आप देख सकते हैं, अब काफी साफ पर आने लग चुके हैं। तो यहाँ पे एक अपनी मुर्गी जो है पानी पी रही है ना देव। यस। तो ये था दोस्तों हमारा आज का व्लॉग जी, और बच्चों को दिखा देता हूँ एक बार, आपको बाहर ला के दिखाता हूँ मैं सेंटीनेट के जो बच्चे हैं अपने, क्योंकि व्लॉग ज्यादा लंबा हो जाएगा तो इनको मैं तो हाँ जी देख सकते हैं सेंटीनेंट की हमारी न्यू जनरेशन भी देख सकते हैं, दोनों चूजे, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है जी इनमें दोनों बच्चों में देख सकते हैं, ये देखो जी, तो सामने भी पर आ चुके हैं, डे बाय डे अच्छी इनकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। और जो हमारे सेंटीनेंट का और जो इनके पेरेंट्स है जी, बहुत अच्छी तरीके से पालते हैं, पहले वाला बच्चा भी आपने देखा वो भी बढ़िया अपना बच्चा हो चुका है, वो देख सकते हैं सामने बैठा हुआ है जी, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया, अब तो पहचान पता ही नहीं लग पाता है कि कौन सा पेरेंट्स है और कौन सा बच्चा है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा व्लॉग, मिला आप लोगों को आज संडे को, अच्छे से मैं जो है अपने बर्ड्स को दिखा दूं जी शाम के वक्त, उनको तो छोड़ दिया है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा व्लॉग, ज़्यादा लंबा हो जाएगा जी, जब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं फिर भूल ही जाता हूँ कि टाइम लिमिट वगैरह का। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शॉर्ट वीडियो को बड़ा प्यार दिया आपने बोने की, तो आगे भी हम शॉर्ट्स वीडियो कोशिश करूँगा कि बनाता रहूँ मैं। ओ देखो जी मुर्गी गलत जगह घुस गई बच्चों के पास, चलो मारा हूँ, चलो। उम्मीद करता हूँ आप सबका शौक भी बढ़िया चल रहा होगा, आप सभी के पेट्स परिंदे, आप सभी के बर्ड्स ठीक ठाक होंगे। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक न्यू व्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।